लोपा जी, इसमें मैंने उस जगह का पता लिख दिया जहाँ पर आपके सारे दुखों का इलाज होगा। एक बार मेरे घर में भी ना कुछ फालतू के रिश्तेदार जम गए थे, मैंने इन्हीं से कह के निकलवाया था उन्हें। मेरी बात सुनो, कुछ बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी ना? सब सब ठीक होगा ना? उनकी पॉलिसी तो ठीक है, अच्छे लोग हैं। बिल्कुल चिंता ना करो पाजी। मेरे चाचा जी कहा करते थे, जब बंदा सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फिकर नॉट। प्रभु ये देखिए, मनुष्य द्वारा निर्मित और एक अद्भुत चीज, निरंतर नृत्य करने वाली नर्तिका। ऐसे कर रही है प्रभु, जब तक आप इसे रोकेंगे नहीं तब तक ये नृत्य करती रहेगी। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, इसे रोक कर दिखाइए। जी प्रभु, ये देखो रुक गई। हंस रही है ये तो। डांस टीचर और मुझे, पागल है क्या? तुझे पता है ना मुझे डांस टीचर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर काम में परफेक्ट हूँ। जिस तरह से मैंने रिया बंदरिया को हराया है ना, उसी तरह से मैं कॉम्पिटिशन भी जीत जाऊंगी। मुझे कोई नहीं हरा सकता, समझी? चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु। शिखा पुत्र के अहंकार को देखा? जब से इन्होंने प्रतियोगिता का पहला पड़ाव पार किया है, इन्होंने नृत्य का अभ्यास ही नहीं किया। प्रभु इन्हें कैसे समझाएं कि ये जीत सिर्फ एक पल की जीत है? समझाना पड़ेगा चित्रगुप्त जी, समझाना पड़ेगा। हमें शिखा पुत्री को यह एहसास दिलाना होगा कि इनसे श्रेष्ठ भी कोई है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप ये पता लगाइए कि इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कौन है। जी प्रभु। हम स्वयं उनसे मिलना चाहेंगे। रा भाइयो, प्रभु की आरती में लीन हो जाओ। रा इतनी शक्ति हमने दी है यमराज रा, मन का विश्वास कोन्या कम हो। ओ जी हम चले नेक रास्ते पे, हमसे फूल कर भी कोई फूल हो ना। बोलो मुकुट वाले महाराज की जय। भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। वो तात्या जी का गैंग यही है? हाँ जी, पुत्री यही है। आ जाओ भीतर, आ जाओ आ जाओ। ओ कुर्सी दो ओए बैठने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं दो। मैं खड़ा ही था। मैं एक्चुअली तात्या जी का गैंग ढूंढ रहा था। ओ जी पुत्र, मैं हूँ तात्या छोटे और ये है सबसे बड़े तात्या। अच्छा ये बता भाई, तेरा पीड़ा केस है भाई? नहीं मुझे कोई पीड़ा नहीं है। मैं लगता है तात्या जी की जगह ढूंढते ढूंढते गलत जगह पे आ गया हूँ। आप कोई दवा खाना चलाते हैं क्या? अरे भाई, यो तात्या का ही अड्डा है। अच्छा, लेकिन किसी महान पुरुष की वजह से हम दोनों में ये बदलाव आ गया है जी। ओ जी पुत्र, दरअसल गल ऐसी है कि अब से हम गलत काम करना छोड़ दिए। लेकिन हम उन लोगों की मदद करते हैं जिनको लोग परेशान करते हैं। आपको किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? देखिए परेशान तो मैं सच में बहुत हूँ, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। वो दरअसल बात क्या है कि मेरे घर में दो लोग मेहमान बनकर आए थे और अब जाने का नाम ही नहीं लेते। बहुत ही ढीठ किस्म के लोग हैं और बड़ी ढीठ पॉलिसी है उनकी ज़िंदगी की। मैं तो तंग आ गया हूँ, इसीलिए मुझे आपकी जरूरत पड़ी। प्रभु उन मनुष्यों को ज्ञान नहीं है कि अपने सर पे क्या लेके चल रहे हैं। अरे कितना बड़ा बोझ है ये, अरे मेरे से पूछो। अरे कोई बात नहीं, आपकी समस्या हम दूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप चले? बिल्कुल, अभी चल रहे मेरे साथ, आइए बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। पर आज हम जा रहे फिर आ रहे। ओ गुंडो मोवाली, टेम्पू मंगाओ टेम्पू। आ जा भाई, टेम्पू काट ले भाई छोरे। ओ मुकुट वाले बाबा सब ठीक कर देंगे। ये चंदपुरी कॉलोनी है हमारी और ये 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 मेरा घर है। वो जो गेट खुला हुआ है ना वहाँ, वही वाला। दोनों अंदर ही होंगे। अच्छा चलो भाई। दो मिनट भाई,
भाई नेक काम करने से पहला हम अपने गुरुजी का नाम लेते हैं जी। क्यों भाई, एक बार हो जाए। अच्छा। र इतनी शक्ति हमना दिए यमराज, ब्रह्मन का विश्वास कमजोर हो कुन्या। ओ जी हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। बोल मुकुट वाले महाराज की जय। अरे गुप्ता जी आप, ओहो गुरु जी, अरे 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 गुरु जी, अरे साक्षात दर्शन हो गए गुरु जी। क्या बात है गुरु जी, गुरु जी दर्शन हो गए आपके। आयुष्मान। ओ जी महाराज महाराज महाराज, हम दोनों तो बस आप ही के बताए नेक रास्ते पर चल रहे हैं अब तक। गुरु जी, इन दोनों ने गुंडों को ट्रेन किया है, क्या चीज है ये? किंतु पुत्र, आपके बड़े भाई साहब तात्या बड़े कहीं दिख नहीं रहे। ओ जी महाराज, आपके समझाने के बाद सीधे टिकट कटवा के तीर्थ धाम चले गए। दरअसल हम दोनों की कुकर्मों की क्षमा मांगने गए वो। लेकिन पुत्र, आप दोनों ये चंद्रपुरी में क्या कर रहे हो? अरे गुरु जी, अरे हम तो उनकी मदद करते हैं जिनको कोई लोग परेशान करते हैं। और हमने सुना किसी ने बलदेव भाई को परेशान किया। पुत्र, आपने हमें बताया नहीं? आप तो हमारे मेहमान है, और अतिथि को मुझे लगा क्यों परेशानी दे, और फिर अतिथि तो भगवान समान होता है ना, तो हाँ। और वैसे भी गुरुजी, छोटी मोटी परेशानी के लिए आप हमें छोड़ दो ना। अरे ये जो सर पे पाप का जो घड़ा होता है ना भाई, मेरे से अच्छा ज्यादा कौन जान सकता है जी। ओ जी महाराज, आपकी तो डूबो भाई हंसी अभी तक है। बस अब हमें विलंब हो रहा है, हम चलते हैं, आपसे बाद में मुलाकात होगी। प्रणाम पुत्र। महाराज एक बार और हंस दीजिए। ये चलो जी अपने घर चलो। और उपाय, ओ एक मिनट छावला जी, छावला जी, ओ भाई क्या कर, ओ एक मिनट बोले भाई, एक मिनट, ओ अपने ही बंदे हैं, ओ एक मिनट, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? अरे जिन लोगों को भगाने के लिए बलदेव भाई साहब ने आपको यहाँ बुलाया है, आपने उन्हीं को टाटा बाय करके जाने दिया। ओ भाई साहब, कमाल कर देते हैं आपने, हमारे गुरु जी को भगाने के लिए हम दोनों को बुलाया यहाँ पर। झूठ बोल रही है। ओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई? अरे हमने कसम खाई थी कि भाई आज के बाद किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन बात मारे गुरुजी के मान सम्मान किया, और अपने गुरुजी के सम्मान के लिए अपनी कसम भी तोड़ देंगे हम। अरे तोड़ दी, मुंह के देख रहे हो, उठा इसना। मुझे उठा चावला। अरे मुझे क्यों, अरे मैंने क्या किया है चावला? एक मिनट, अरे बता भाई ये अच्छी जगह कौन सी है? किस लिए भाई? पीछे गार्डन है, बट क्यों गार्डन में गा रहे हैं सुना? मुझे चलो पागल हो गए भाई, मेरे को ऐसे उठा के कहां लेके जा रहे हो आप? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, आपको पक्का भरोसा है कि ये शीना देवी जो प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ थे वो यही मिलेंगी हमें? हाँ प्रभु, वो यही अपने नृत्य का अभ्यास करती है। अच्छा, हाँ चलिए फिर, चलिए जी। पुत्री यम, यम है और ये है चित्रगुप्त, और हम दरवाजे से अंदर आए। ओह आई सी, नौटंकी वाले ना आप लोग? सॉरी, मैं नौटंकी में पार्ट नहीं लेता। हम जानते हैं पुत्री, आपका नृत्य देखा, अद्भुत पुत्री, किंतु हम आपसे कुछ मदद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन की पुत्री शिखा पुत्री के साथ नृत्य की प्रतियोगिता करें। सॉरी क्या करें? नृत्य प्रतियोगिता, नृत्य प्रति डांस कंपटीशन। आई एम सॉरी, शायद आप लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूं। शीना, शीना के रमन, मेरा नाम है शीना, और बस जीतने के लिए है जीना, और हारी तो मैं कभी नहीं।
तो ये शिखा विखा को तो मैं अपनी एक छोटी उंगली से हरा दूंगी ना। अद्भुत पुत्री, आपकी छोटी उंगली भी नृत्य करती है? छोटी उंगली नहीं, मेरे बॉडी का हर एक पार्ट डांस करता है। और वैसे भी ये एरे गेरे कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करती, सो प्लीज गिव मी अ ब्रेक। चित्रगुप्त जी, प्रभु ब्रेक मतलब तोड़ना। पुत्री हमें बताइए, हम क्या तोड़ कर दे सकते हैं आपको? आई मीन आप लोग जाइए यहाँ से। ब्रेक मतलब मध्यांतर प्रभु, ये कन्या मध्यांतर चाहती है। हम इन्हें सोचने का वक्त देते हैं, हम चलते हैं प्रभु। अवश्य पुत्र, आप सोचने का समय लीजिए और फिर हमें बताइए, हम मिलेंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रभु चिंतित है ना चित्रगुप्त जी? हाँ प्रभु। हम भी चिंतित है इस युवा पीढ़ी को लेकर, पता नहीं क्या हो गया, इतना अहंकार कैसे आ गया है इनमें। प्रभु ये चिंता का विषय जरूर है, हार और जीत को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं मनुष्य, और शीना देवी के हाव-भाव से लगता नहीं वो हमारी बात मानेगी। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु हमें कुछ भी करके शीना देवी को शिखा पुत्री के सामने प्रस्तुत करना होगा। हाँ प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी कुछ भी करके। आई सजदा, एक किस तरह लग गई तेनू, स्कूटर से गिरने की तो चोटे नहीं आए पुत्र। बोली पापा जी, अब एक बात पूछे बबलू पापा। पूछवा। होली 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 होली। हमको लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं पापा जी। लगता है बिंदिया पापा जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आए आए, मैं सच में स्कूटर से गिरा हूँ। छोटे देख के तो लगता है कि जरूर कोई बुरी तरह से मार के गया जमाई जी को। की होया पुत्र, की होया, की होया? अरे मैं नहीं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं मारा है, ये चोटें मुझे स्कूटर से गिर के लगी हैं। मैं नहीं मरनागा। इतना मारा कि शरीर की सारी पॉलिसी हिल गई मेरी। याद रखना मिस्टर यम, चुन चुन के बदला लेंगे हम। प्रभु चित्रगुप्त जी संभाल के, चित्रगुप्त जी किसी वाहन को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं प्रभु आप चिंता मत कीजिए, किसी भी वाहन को चोट नहीं पहुंचेगी प्रभु, खास करके शीना पुत्री के वाहन को बिल्कुल नहीं। नहीं प्रभु आप चिंता मत कीजिए प्रभु। प्रभु वो देखिए शीना देवी का वाहन आ गया प्रभु। वो चित्रगुप्त जी आप तैयार है ना? मैं तैयार हूँ प्रभु। साधु साधु। प्रभु आ गया प्रभु। चित्रगुप्त जी, प्रभु मुझे इस वाहन ने ठोकर मार दी, मैं चल नहीं पाऊंगा प्रभु। से क्या हो गया, कौन टकरा गया? अरे क्या हुआ, ठोक दिया से? अरे ठोक दिया बेचारे को। ये तो हम फिर से आ गए। अरे भाई आजकल के लड़का लड़की पता नहीं कैसे ड्राइंग करते, देखो उसको ठोक दिया बेचारे को। ओ मैडम बाहर आओ। ईशना बाहर मत निकलना, फंस जाएगी। प्रभु बाहर। देखो आपने क्या कर दिया वहाँ पर। देखिए भाई साहब मैं आपको कह रही हूँ ना, मैंने जानबूझ के टक्कर नहीं मारी, मुझे नहीं पता कैसे वो मेरी गाड़ी के सामने आ गए। अरे भाई साहब ऐसे नहीं मानेगी, आप पुलिस को बुलाइए। प्रभु अरे नहीं पुत्र, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, चित्रगुप्त जी ठीक हो जाएंगे। चित्रगुप्त जी है ना, और चल नहीं पा रहे, केवल उठिए उठिए उठिए। प्रभु प्रभु मैं चल नहीं पा रहा हूँ प्रभु, मेरी पैरों की हड्डियाँ टूट गई प्रभु, चकनाचूर हो गई प्रभु, चकनाचूर हो गई प्रभु, मुझसे चला नहीं जा रहा प्रभु, मुझे कोई घर छोड़ दे। अरे कौन छोड़ेगा, यही छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी तो पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मैं बुलाई, मैं छोड़ दूंगी, आइए आप। वो देवी घर तक छोड़ रही है, आइए आइए आइए।
भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? चंद्रपुरी जाएंगे पुत्री। ठीक है आइए बैठिए। महाराज इतने छोटे से द्वार में से हम अंदर कैसे घुसेंगे? ये तो हमें भी नहीं पता है चित्रगुप्त जी, लेकिन घुसना तो पड़ेगा। पहले आप घुसिए चित्रगुप्त जी। महाराज आप हमसे बड़े हैं, आप पहले। नहीं चित्रगुप्त जी, पहले आप। महाराज पहले आप। अरे बैठिए ना आप लोग। जी जी पुत्री। चित्रगुप्त जी चलिए अंदर। हाँ हाँ प्रभु। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कोई खिड़की से घुसता है क्या? आप उधर बैठिए। इस द्वार से कैसे जाएंगे अंदर? ओह प्रभु ये तो पूरा खुल गया। धन्यवाद देवी। आ गए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अरे चित्रगुप्त जी। मामा जी ये मामा जी के पैर में क्या हुआ है? ये तो शीना है। मम्मी पापा बेहतर है? भैया एक बात पूछे कहा हुआ आपको? कुछ नहीं बहन, हुए हम थोड़े से गिर गए थे लेकिन ये हमें यहाँ लेकर आई। और इनका नाम है शीना। सॉरी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, वो जो लास्ट टाइम डांस कंपटीशन हुआ था तुम उसकी विनर थी राइट? बट इस बार जो कंपटीशन होने वाला है मैं उसकी विनर हूँ। शिखा हाय। मुस्कुरा रही है शीना पुत्री, और हम जानते हैं कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। हमारा भी मन कर रहा है कि हम मुस्कुराए, किंतु हम मुस्कुराएंगे नहीं चित्रगुप्त जी। प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। तात्पर्य ये है कि शीना पुत्री इस साल भी इस प्रतियोगिता में जीत जाएंगी। प्रभु मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। चित्रगुप्त जी शीना पुत्री का नृत्य शिखा पुत्री के नृत्य के सामने कुछ भी नहीं है। ये हुई ना बात, जिंदगी में पहली बार ढंग की बात की आपने। मैं आपकी इस पॉलिसी से बहुत इम्प्रेस हुआ। अरे मेरा नाम शीना है और बस जीतने के लिए जीना, और हारी तो मैं आज तक नहीं। अद्भुत आत्मविश्वास इसे कहते हैं चित्रगुप्त जी। शीना पुत्री की छोटी उंगली का नृत्य भी शिखा पुत्री को हरा सकता है। मैं नहीं मानता प्रभु। चित्रगुप्त अगर शीना पुत्री ऐसा कर सकती है तो अभी करके दिखाए। क्या बात है, ये यही का यही मुकाबला कर लेते हैं, फैसला हो जाएगा। मुझे बड़ी बात करनी आती भी नहीं वैसे। हाँ हाँ हो जाए, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ शीना। कल भी तुम हारने वाली थी, आज भी हार जाओगी। ठीक है शिखा, अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही। तो देखते हैं किसमें कितना है दम। आश्चर्यचकित है हम, क्योंकि यम है हम।